हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स बाय तरणी गोस्वामी सो आज इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैंडिडेसिस दिस इज़ अ डिसीज विच इज़ कॉज बाय दी फनजाई इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी वी माइसेटोमा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो so मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने उसका लिंक दे दिया है एक बार चेक जरूर कर लेना एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रा ध्यान से सुनना जिससे कि तुम्हें इस वीडियो के अंदर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं कैंडिडियसिस इज एन ऑप्शुनेटिव फंगल इन्फेक्शन कॉज मोस्ट कॉमनली बाय दी कैनेडा एल्बिकेंस डेफिनेटली आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा एंड ओकेजनली बाय दा ट्रॉपिकेलस सो ये जो कैंडिडियसिस है एक तरीके का ऐसा फंगल इन्फेक्शन है कि ये बाई चांस होता है मतलब एक ऑपरचुनिटी है कि ये हो जाएगा और क्या ऑपरचुनिटी है कि बॉडी के अंदर अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो ये कैंडिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब इसका ऑर्गेनिज्म क्या है जिसको कॉज करता है कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि इसी डिसीज़ के नाम से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है इन ह्यूमन बींग्स कैनेडा स्पसीज आर प्रेजेंट एज अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन एंड म्यूको एरिया तो इन ह्यूमन्स ये जो कैनेडा स्पिसीज़ है ये नॉर्मली हमारे स्किन में रहती है जैसे आपने सुना होगा हमारे पेट में मतलब एक तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें फ्लोरा होता है जिसमें बै, आ, कुछ बैक्टीरियाज कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि रहते ही हैं उसी तरीके से हमारे स्किन के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा होता है कैंडिडा का सो कैंडसिज आर प्रेजेंट एज अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द स्किन म्यूकोक्यूटेनियस एरियाज इंटेस्टाइन एंड द वेजाइना द ऑर्गेनिज्म बिकम पैथोजेनिक व्हेन द बैलेंस बिटवीन द होस्ट एंड द ऑर्गेनिज्म इज डिस्टर्ब तो डिसीज का हो कि नॉर्मली ही हमारी बॉडी में रहते हैं बट इसकी वजह से डिसीज का हो जब इनका जो एक तरीके से उनके तरह रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा वेरियस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर इम्पेयर्ड इम्यूनिटी अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो गई है प्रो यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टर जिसने बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टर्स का यूज़ किया है लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी जिसकी बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक थेरेपी चलती आ रही या है या फिर जो कॉर्टिकोस्ट्रेट थेरेपी ले रहे हैं या फिर जो डायबिटीज मैलिटिस के पेशेंट हैं या फिर जो ओबेसिटी है जिनको या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स ठीक है तो उनमें ये कैंडिडेट होने के चांसेस काफी होते हैं तो आप इन चीजों को ध्यान रखना कि किन किन में होने के चांसेस हैं नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर सो कैंडर प्रोड्यूस सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मैमब्रेन और मे इनवेट डीपर टिश्यू एज डिस्क्राइब्ड अंडर तो इन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि और क्या क्या कर सकते हैं तो वैसे तो ये हमारे स्किन और म्यूकोक्यूटेनियस एरिया को ही अफेक्ट करेगा बट अगर ये डीप जाते हैं तो दे कैन कॉज दी ओरल थ्रश दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडस सीन स्पेशली इन दी अर्ली लाइफ फुल फ्लैजलिशन कंसिस्ट ऑफ दी क्रीमी वाइट स्यूडो मैमरेन कंप्राइज ऑफ दी फंजाई कवरिंग द टंग सॉफ्ट पैलेट एंड वक्ल म्यूकोसा इन सीवियर केसेज अल्सरेशन मे बी से तो अगर आप बहुत सारे केसेस देखोगे ओरल थ्रश आपको देखने को मिलेगा बच्चों में तो इसमें क्या होता है एक क्रीमी लेयर बन जाती है वाइट कलर की और इट इज़ अ स्यूडो मैमरेन मतलब कि एक झूठी तरीके की मैमरेन बन जाती है जिसपे बेसिकली वो फंजाई होता है ठीक है और ये कहाँ होता है आपके ओरल ओरल नाम से चल गया कि मुंह में होगा तो टंग में सॉफ्ट प्लेट एंड बकल मुंह को कवर करेगा नेक्स्ट आता है कैंडिडेडल वेजिनाइटिस जब आप ऑब्स गायनी पढ़ते हो तो गायनी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेजेनाइटिस तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ते हो वेजाइनल कैंड्रेस और मोनेनियल वेजनाइटिस करेक्टराइज थिक येल्लो कर्डी डिस्चार्ज तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको कौन सी मेडिसिन याद आती है थिक येल्लो डिस्चार्ज होता है पल्स सेटेला के अंदर तो ये वाली बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि बी एच एम एस बैकग्राउंड के होंगे सो आप मेरे से जितने जिद्रे भी स्टूडेंट बी एच एम एस वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे तो ये थिक येल्लो डिस्चार्ज से कहीं ना कहीं आपको एक क्लिक करना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पल सेटेला द लीजन फ्रॉम द स्यूडो मेम्बरेन ऑफ द फंजाई ऑन दी वेजाइनल म्यूकोसा तो बेसिकली इसमें भी क्या बनती है कि स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है फंजाई की कहाँ पर वेजाइनल म्यूकोसा पर क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रहे हैं तो ये हमारे माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करेंगे और हमारे वेजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन मेम्रेन भी काम करेंगे दे आर क्वाइट प्यूरेटिक मतलब कि इसमें काफ़ी पेशेंट को खुजली होती है एंड मे एक्सटेंड टू इन्वॉल्व वल्वा जिसको हम वल्वो वेजीनाइटिस बोलते हैं एंड दी पेरिनियम एंटीपेरिनीयल्सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्यूटेनियस कैंड सो वॉट इज क्यूटेनियस नाम से पता चल रहा है कैंडल इन्वॉलमेंट ऑफ द नेल फोल्डस प्रोड्यूसिंग चेंज इन द शेप ऑफ दी नेल प्लेट अच्छा आप नेल प्लेट की शेप जो आती है तो उसको बोलते हैं पेरोनिकिया एंड कोलोनाइजेशन इन द इंटरट्रिजिनस एरियाज ऑफ द स्किन एग्जिलाग्रोन इंट्रा एंड इंटर मैमरी इंट्राग्रूटियल फोल्डस एंड इंटर डिजिटल स्पेसिस मतलब कि जो स्पेसिस होते हैं जो आपकी uh, हम कह सकते हैं जो बगल होती है या ग्रोन एरिया जो होता है या फिर मेमोरी ग्लैंड के जो अंडर एरिया होता है या इंटर ग्लूटियल फोल्ड जो होते हैं वहां पर ये क्यूटेनियस कैंडिसेस फॉर्म हो जाता है एंड दिस इज कॉज्ड बाय एल्बिकेंस नेक्स्ट डर एसोसिएटेड विद इंपेयर इम्यून सिस्टम मतलब कि या तो बॉडी के अंदर कोई डिसीज भी होगी ही और साथ साथ इम्यून सिस्टम भी वीक है द ऑर्गेनिजम गेन एंट्री इन टू द बॉडी थ्रू एन अल्सरेटिव लीजन ऑन द स्किन और अ म्यूकोसा मे बी इंट्रोड्यूस बाई दइट्रोजेनिक वाय इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन पेरिटोनियल डायलिसिस और यूरिनरी कैथराइटाइजेशन तो हो सकता है कि कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज है और उसका कैथेटर लग रही है यूरिन कैथेटर लग रही है तो उस वजह से उसको ये डिसीज हो सकती है ये कैंडिडेस अफेक्ट कर सकता है द लीजन ऑफ द सिस्टमिक कैंडिडेसिस आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन द किडनीज एज असेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस असेंडिंग मतलब कि जो कि ऊपर की तरफ चढ़ेगा पाइलोनेफ्राइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन एंड इन अ हार्ट एज दी कैंडल एंडोकार्डाइटिस सो सिस्टमिक वैसे काफ़ी रेयर होता है और किन कंडीशन में होता है अगर कोई पर्सन पहले से हॉस्पिटलाइज है और उसकी इम्यून सिस्टम ऑफकॉर्स वीक होगा तो उनको ये डिसीज़ हो सकती है सो so, ये कैंडिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार वाइवा में एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आगे दैट्स वेल एंड गुड अगर आपके पास कोई सजेशन है फॉर माई वीडियोज़ देन यू कैन डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल लव टू इम्प्लीमेंट थैंक यू सो मच